हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेमलता अग्रवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमने 1 किलो गाजर ले लिया था, जिसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके कद्दूकस करके हमने तैयार कर लिया है। 1 कटोरी के करीब देसी घी ले लिया है, 4 चम्मच के लगभग देसी घी। ये है 250 ग्राम के लगभग हमारा खोया, 4-5 छोटी इलायची और 1 कटोरी लगभग 1 कटोरी हमने चीनी ले ली है। अब इसके बाद गैस को हमने जला लिया है, इसके ऊपर ये फ्राई दान हमने रख दिया है। उसके बाद ये जो 1 कटोरी देसी घी हमने लिया था, इसको हम डाल देंगे। थोड़े हलवे में देसी घी ज़्यादा लगता है। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, देखिए जब घी अच्छी तरह से पिघल जाने दीजिए। गैस को स्लो ही रखना है, गैस को तेज नहीं करना है। फिर इसके बाद जो ये हमने गाजर घिस के लिया है, इसको इसमें ही हम डाल देंगे। ये हमने गाजर को डाल दिया है। गैस को हम तेज कर देंगे, इसको पूरे घी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। सर्दियों के मौसम में गाजर खूब आती है। इस तरह से हलवे को बना करके रख लीजिए, फ्रिज में रख करके इस हलवे को 1 सप्ताह तक खाया जा सकता है। ये पूरा घी गाजर में देखिए मिल गया है। और इसको इस तरह से चला करके गैस को धीमा करके अब हम 5 मिनट के लिए स्लो गैस में इसको ढक करके ऐसे रख देंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोल करके देखते हैं। हम इसको फिर से ढककर रख देते हैं। थोड़ी देर में इसको हम खोलकर चेक करते रहेंगे। इसमें ये बात बिल्कुल ध्यान देने की है कि इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए और धीरे धीरे इस तरह पकेगा तो इसका गाजर के पानी में ही ये अच्छी तरह से गाजर पक जाएगा। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अब इसमें जो ये चीनी थी, इस चीनी को हम डाल देंगे। और पूरी गाजर में इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक गाजर पक रही है, ये हम 10-15 बादाम ले लिया है और ये इतने से हमने काजू ले लिए हैं। अब इसको हम बादाम को 2 टुकड़ों में काट करके तैयार कर ले रहे हैं और इसी तरह से हम बादाम को भी काजू को भी इस तरह से काट लेंगे। इसको लास्ट में हम
डालेंगे। अब इसको हम फिर से चेक करते हैं, गैस को फिर हम तेज कर देंगे। अब देखिए इसमें हमने चीनी खड़ी डाली थी, पर धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो गई है। पूरी गाजर में अच्छी तरह से चीनी देखिए मिक्स हो गई है। अब इसमें हम जो ये मेरे पास खोया है, इस खोए को भी हम इसमें डालते हैं और गैस को फुल ही रहने देंगे। अब फुल गैस पे ही इस खोए से इसको पूरे गाजर में अच्छी तरह से मिलाते हैं। ऐसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम, आप चाहें तो खोए को भूज के भी डाल सकते हैं, पर हमने इसी तरह से इसको डाला है क्योंकि खोया मेरा बहुत ही अच्छा है और इसको हमने घर में बनाया था, इसलिए हमने इसको ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो भून कर डालिए, नहीं तो ये इसमें भी भून जाएगा अच्छी तरह से। गैस को तेज ही रहने देंगे, तेज गैस पे ही इसको हम पूरे हलवे में ऐसे चला चला के अच्छी तरह से मिलाएंगे। 5 मिनट तक हमने इसी तरह से धीमी आंच पे इसको भून लिया है। अब इसके बाद जो ये काजू है इसको हम डाल देंगे, जो बादाम है इसको भी हमने काट के रख लिया और इसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। और ये जो है इलायची पाउडर, इसको भी हम मिला देंगे। देखिए हमारा हलवा अच्छी तरह से बनकर तैयार है। इसमें हम लास्ट में एक काम और करते हैं, आखिरी में इसमें हम 2 चम्मच घी और डाल देते हैं, इससे कि हलवे का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। इसमें लास्ट में 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है और उसको इस तरह से मिला देंगे, इससे हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए घी अच्छी तरह से मिल गया है, हमारा हलवा बनकर बिल्कुल अब तैयार है। गैस हम बंद कर देते हैं, हलवा बनके तैयार है। इसको बनाने में पूरे आधे घंटे का समय लगा है। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।